ये देखो इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हो आप गत्तों की। करा पड़ता है, आप सोचते हो इससे पहले भी गाड़ी कराई थी आपने? कराई थी, लेकिन वो उसका फिनिशिंग आपने भी देखा था। मैं तो खैर देखो मैं बोलूंगा तो अच्छा, आपको भोपाल सीट कवर एंड कार डेकोरेशन पर मतलब टीम बहुत अच्छी देखने मिलेगी कि एक ही साथ में तीन तीन चार चार पाँच पाँच गाड़ियाँ भी लग जाए तो सब हैंडल कर लेते हैं। काम ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा ही डिले हो रहा है, और आज संडे है फिर भी देखो आज कितनी कार लगी, तीन कारें लगी हुई है। इन लोगों ने क्या ना पहले से भैया को कॉल करके बोल दिया था कि भैया मुझे संडे के दिन काम करवाना है। लो तो भाई एक फिर से बलिनो हो गई ना, इसमें भी पूरा इंटीरियर कर रहे हैं, सीट कवर कर रहे हैं। इधर आओ, सीट ओपन करने पहले ये सीट कवर लगा हुआ था, इससे पहले ठीक है। ये देखो सीट ओपन कर ली, स्टीयरिंग कवर अभी देख लो आप कैसा फिट है। ये इसमें सीट कवर और ये अपना ये देखो यहाँ ये जो गत्ता है ना ये इसका इंटीरियर जो बोलते हैं ये भी चेंज होगा, और शायद हम लोग वो आमरेस्ट का जो ब्लैक कलर है उसके ऊपर भी कुछ करेंगे। तो ये सारे काम इस बलिनो में होना है, मतलब ऐसा नहीं है काम की, आप तो देख ही रहे हो आपको सुबह से हो यार काम की कोई कमी नहीं है। बस भाई फिनिशिंग चेक करो यार, बस बंदे लोग बोलते हैं भाई ये लगता वो लगता है, भाई मैं बैतूल में कर रहा हूँ। आपको है ना प्राइस एकदम जेन्युइन देखने मिलेंगे, और जो आपको एसेसरीज मिलेगी वो भी आपको ओरिजिनल देखने मिलेगी, ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ डाल दे रहे, और वारंटी वगैरह भी लेस नहीं होगी आपकी। सीट कवर इंस्टॉल करा है? हाँ अभी ये देखो हम ये वेलक्रो में इंस्टॉल है। यहाँ कोई पेचा वेचा दिख रहा है आपको? अभी देखो फिटिंग देखो आप, इसकी फिनिशिंग देखो, कहीं पेचा दिख रहा है कि हमने कुछ अलग से तार वगैरह लगा दिए? भाई कई जगह पर ऐसा होता है कि तार ही तार ठोक देते हैं पूरे इसमें, बट यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है। और इसमें ये जितना भी काम हो रहा है ये वारंटी लेस नहीं होगा इसमें से कुछ भी, है ना, पूरा ओएम काम होगा, ओएम फिटिंग होगी आपकी। कई जगह पर ऐसा होता है कि कहीं से भी वायर कटिंग कर देते हैं और आपको बोलते हैं कि भाई अब तुम्हें सर्विस नहीं मिल पाएगी, मतलब वारंटी नहीं मिल पाएगी, वारंटी लेस हो जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कपलर टू कपलर फिटिंग देखने मिलेगी आपको। सो फाइनली बलिनो गाड़ी के जो गत्ते होते हैं ना, गत्ते का काम पूरे इंटीरियर का हो चुका है। एक गत्ता ये रहा, एक गत्ता ये रहा, एक गत्ता ये रहा, तीन गत्ते यहाँ पर रखे, चौथे गत्ते की बात करें तो इधर रखा हुआ है। देखो चौथा गत्ता हमारा उधर है, अब मैं चारों गत्ते के आपको ये देखो इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हो आप गत्तों की पूरा, ठीक है। एक गत्ता ये हुआ, ये देखो इसका जो मेन गत्ता होता है, ये देखो इस पर फोम भी है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ये भी हो गया है। एक गत्ता ये रखा हुआ है, देखो ये एक गत्ता ये है भाई, इसका स्टीयरिंग का भी काम चल रहा है। देखो सीट कवर का काम इसमें हो चुका है, सीट कवर कंप्लीट कर दी है, ये देखो सीट कवर वगैरह का काम कंप्लीट हो चुका है। चारों ये सीट कवर की फिटिंग देख सकते हो आप लोग, पीछे देख सकते हो पूरे एच टू एच फिटिंग की हुई है। ये इसका ये देख सकते हो, ये एड्रेस की फिटिंग इसमें सीट कवर का हो चुका है। अब डोर पैनल वगैरह फिट करता हूँ और स्टीयरिंग होने देता हूँ, उसके बाद एक बार गाड़ी पूरी चेक कराऊंगा मैं। तो फाइनली गाड़ी का पूरा काम हो चुका है भाई, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो अंदर से टैन कलर का जो इंटीरियर करना था हम लोगों ने, ये देखो अभी यहाँ पर इसके गत्ते वत्ते देख सकते हो, ये पूरा हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, गत्ते वत्ता पूरा मतलब इंटीरियर में कम्प्लीट कर दिया। ये इसके सीट कवर रहने वाले, इसके सीट कवर देख सकते हो आप लोग, ये ऐसा सीट कवर, इसकी फिटिंग चेक कर सकते हो आप लोग। टेन कलर में इसका सीट कवर था, ये इसका आमरेस्ट ओरिजिनल वाला, वो भी भाई हम लोगों ने टेन कलर में किया हुआ है ना, ये देखो ये ऐसा इसका मतलब कंप्लीट पूरा इसका जो कॉम्बो है वो तैयार किया हुआ है। इसका स्टीयरिंग देख सकते हो आप लोग, स्टीयरिंग भी हम लोगों ने स्टिच किया हुआ है। ये इसका इस तरह का गत्ता है, पीछे से दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये पीछे की सीट रहने वाली, इसकी फिटिंग और फिनिशिंग चेक कर सकते हो। ये इसका इस तरह का गत्ता है, और ये इसका इस तरह का, ये सारे काम करे। साथ ही हमने इसमें एक 5D मैट इंस्टॉल की हुई है, ये इसका 5D मैट रहने वाला, ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो भाई अब वो टाइम है जिन भैया की गाड़ी है उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? चंदन राय। तो सर चंदन सर की गाड़ी है और सर चाहते थे उनका कुछ अच्छा सा इंटीरियर हो, तो बताइए सर इंटीरियर कैसा क्या लगा? इंटीरियर बहुत बढ़िया हुआ है, काम जो है फिनिशिंग जो है वो बहुत बढ़िया आई है इसके अंदर,
और सही लगा, मतलब बहुत बहुत बढ़िया काम, काम सही लगा, बहुत बढ़िया काम है ना, फिटिंग वगैरह बहुत सही, मतलब वैसे मतलब OEM की तरह ही पूरा फिटिंग आया है इसके अंदर में। ये सोच सकते हैं अपन, वैसे रहते कहाँ बता दो, बैतूल पड़ता है, पाथेगढ़ा रहता है, सारनी जी, बैतूल जिले में, मतलब सारनी पड़ता है भाई, उधर है। और इस टाइप की फिटिंग चाह सकते हैं अपन, जैसे भोपाल नागपुर भी पास पड़ता है, आप सोचते हो इससे पहले भी गाड़ी कराई थी आपने, कराई थी लेकिन वो उसका फिनिशिंग आपने भी देखा था। मैं तो खैर देखो मैं बोलूंगा तो भोपाल कार डेकोरेशन बैतूल में, बडोरा 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 में सेकंड टाइम आए हो आप मेरे पास, फर्स्ट टाइम पंच करा ही, पंच कितना रुपया दिया था आपने बताओ? पंच में 57,000 रुपए का काम कराया था उसने। उसके बाद में फिर विद इन अ डे बात हुई तो भैया ने इंटीरियर भी अपने से पूरा कंप्लीट करा लिया। हर चीज का एक लेवल होता है, उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है, लेवल के हिसाब से पैसा सही था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो दिया आपने कितना पैसा दिया बता दो, बता दो। रीजनेबल रेट था, कोई इशू नहीं है इसमें, मतलब टोटल अमाउंट कितना दिया? टोटल अमाउंट 12,000 दिया है मैंने, है ना। टोटल उसमें एक मैट भी है, स्टेरिंग भी, सब कुछ पूरा, मतलब फिटिंग वगैरह कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, रीजनेबल रेट रहा है। तो भाई ये सारा काम था हम लोगों के, तो मतलब रिकमेंडेड करोगे कोई बंदा अगर यहाँ कराना चाहता है? मैं रिकमेंडेड कर चुका हूँ और अभी भी मेरी एक और पंच आने वाली है। देखो सही बात है, मगर इस लेवल का यहाँ पर जो बैतूल में काम है, बैतूल में अगर कोई काम कराना चाहे तो यहाँ पर बेझिझक आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक और चीज है भाई, कोई हमसे जानकारी चाहता है तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग के पास में कोई न्यू कार है तो आप हमसे बिल्कुल डिटेल में जानकारी ले सकते हो किस टाइप का काम कराना है। ये नहीं कि हमारे पास ही आके कराओ, हमारा सिर्फ मेन मकसद ये है कि आपकी गाड़ी सही हो, क्योंकि आप 10 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख जितने भी गाड़ी खरीद रहे हो तो उसमें एक बेस्ट काम हो, तो उन चीज़ों के लिए हम ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आप लोग बेस्ट काम कराना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, आप उससे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।